तो गाइस आज माइनक्राफ्ट में मैं एक काम और करने वाला हूँ अपने कैसल में, जो कि भाई बहुत ज्यादा खतरनाक काम होने वाला है। और एक चीज और दिखा देता हूँ मैं कि मेरा कैसल का ज्यादातर काम पूरा हो गया है, मतलब पूरा कंप्लीट हो गया है, जितना भी है दोनों तरफ के हिस्से बन गए। बस ऊपर का एक काम और करना है थोड़ा लकड़ी का, जो कि अभी करूंगा। और देखो मैं दिखा देता हूँ कि कैसे कैसे मैंने चीजें बनाई है भाई। इसके लिए बहुत ज्यादा मेरे को माइनिंग करनी पड़ी थी, डीप स्लेट, ऐसे डार्क भी ला सकता था लेकिन डार्क मिलने मुश्किल थे भाई। तो ये वाली छत है ऊपर की, और यहाँ से भी मैं जा सकता हूँ, बिल्कुल सेम बनाया मैंने दोनों को। तो ये बिल्कुल टॉप फ्लोर है, और यहाँ पे एक लकड़ी का काम होने वाला है जो मस्त लगेगा बिल्कुल। नीचे चलते हैं भाई, थोड़ी सी रात हो रही है अभी। ऐसा आज मैं पता है क्या करने वाला हूँ, मैं एक ऑटोमेटिक फर्नेस बनाने वाला हूँ, क्योंकि मैंने एक फर्नेस का सिस्टम बनाया है, दिखाता हूँ मैं जाके, जो इतना कोई खास नहीं है यार। रात बड़ी जल्दी हो रही है, और ये अच्छा ये डार्क क्यों है यार? यार मुझे इसलिए आर्टेक्स इतना पसंद नहीं, देखो बिना आर्टेक्स से कितना मस्त लग रहा है अब, मतलब आर्टेक्स की आदत सी होगी ना। ये देखो कैसे फर्नेस मैंने सेट करे है, तो इतने कोई खास नहीं है। मुझे चाहिए ऑटोमेटिक कि एक तरफ से डालू दूसरी तरफ से सामान आ जाए, जैसे मैंने सीरीज वन में बनाया था। और पता है ये बड़ी बड़ी चीजें ही मैं ज्यादातर बनाने वाला हूँ, और अपने कैसल पे मैं अब ज्यादा काम करने वाला हूँ नहीं, मतलब डेकोरेशन वगैरह करूंगा, लेकिन इसकी अब मैं दीवारें बनाऊंगा, ये सिर्फ गेट रहने वाला है और गेट वाला कैसल होगा ये। तो लकड़ी निकाल लेते हैं, क्योंकि लकड़ी की बहुत ज्यादा जरूरत है मुझे, खास करके स्प्रूस लोक की। चलो छत पे लगा के आते हैं, मुझे लग रहा है इतने से काम नहीं बनने वाला भाई, ज्यादा चाहिए। तो स्प्रूस लगाने मुझे यहाँ से, ये यहाँ पे, फिर ये ऐसे करके, और ये यहाँ तक आ रहा है। इस तरीके से मुझे बनाना है ताकि वो बने छत। ये थोड़ा, अरे यार इसको अभी तो हटाया था मैंने, ठीक है यहाँ पे ऐसे लगाने, तो ऐसे करके ठीक है चलेगा इतना। बाकी एक लकड़ी ले लूँ यार कोई सी भी, क्योंकि मुझे वहाँ लगानी है। अरे हमेशा गलती क्यों लग रही है आज, पता नहीं क्या हो रहा है भाई। चलो भाई बनाते हैं इसको, पूरा कर देते एक ही बार में, ऐसे मुझे नहीं लगता कि बन भी पाएगा कि नहीं। तो मैं ज्यादातर सोच रहा हूँ कि मैं प्लैंक्स का यूज कर लूँ, क्या बढ़िया रहेगा ना प्लैंक। और पता है इससे क्या रहेगा, इससे जो हमारा कैसल रहेगा ना भाई, बहुत मस्त लगने वाला है, बहुत तगड़ा लगेगा। चलो एक लकड़ी यहाँ लगाते हैं ताकि ये वाला पार्ट पूरा कर सके। और ऊपर का मुझे थोड़ा सा अलग बनाना था, ये मैंने कुछ गड़बड़ कर दी। हाँ मेरे को 3x3 का बनाना था। अरे यार चलो यार कुछ करते हैं फिर, पर लकड़ियाँ कम पड़ रही है ना, बात तो सारी यही है। तो इतना बनाने वाला हूँ मैं यहाँ पर, और बीच का तो हटा ही दो, क्योंकि बीच में कौन सा कोई देखने वाला है, चारों तरफ से बनाते हैं। इसके लिए वैसे बहुत ज्यादा लकड़ियाँ चाहिए। ये लो भाई, ये तो इतने में ही हो गया खत्म। ये असल में पता है क्या होगा, ये बहुत मस्त लगेगा जब बन जाएगा ना, तब इतना तगड़ा लगेगा ऊपर से कैसल, पता नहीं तगड़ा लगेगा अभी कि नहीं, बनने के बाद ही पता चलेगा। वैसे दिखने में अच्छा नहीं लग रहा यार, इसको दोबारा डिजाइन करना पड़ेगा मुझे। ऐसा होना चाहिए जो दूर से दिखे तो भाई लगे कि हाँ यहाँ पर कुछ है। तो थोड़ा मैंने काम करा है भाई, जो कि मैंने मैंग्रोव ट्री से किया है। ये बनाने की तो कोशिश करी है मैंने, पर अभी भी अजीब लग रहा है यार। तो मैं मैंग्रोव ट्री यूज कर रहा हूँ अभी स्प्रूस की जगह, क्योंकि भाई उसमें कुछ हो ही नहीं पा रहा था, अच्छा नहीं लग रहा था मुझे लुक बिल्कुल भी। तो इससे देखते हैं इससे कितना अच्छा लगेगा, मेरे ख्याल से तो इससे अच्छा लगना चाहिए। अब लग रहा है थोड़ा सा अजीब लग रहा है, ये ऐसा लटका हुआ लग रहा है, इसमें थोड़ी सी ना वो लगानी पड़ेगी, हाँ ऐसे कुछ चीज जो सपोर्ट होगी, सपोर्ट लगाना बहुत जरूरी है। तो वैसे ठीक ठाक ही दिख रहा है, ज्यादा बुरा नहीं दिख रहा है। अब मैं तुम्हें एक चीज और दिखाता हूँ, जो कि बहुत सीक्रेट तो नहीं मामूली है, पर हाँ बहुत बढ़िया चीज है, जहाँ पर मैं अपना फर्नेस का सिस्टम बनाने वाला हूँ। तो ये वाली जो जगह देख रहे हो ना भाई, ये बिल्कुल अंदर से खाली है, और यहीं से मैं सीढ़ियों को ले जाने वाला हूँ बिल्कुल नीचे। तो यहाँ से लेके जाऊंगा सीढ़ियाँ, जो कि जाएगी मेरे फर्नेस में। अरे ये खोदा नहीं था क्या मैंने, वाह भाई इनको इकट्ठा करके रखो, क्योंकि इनसे सीढ़ियाँ भी बनाऊंगा मैं अभी के अभी। कूदू क्या नीचे, कूदते चलो भाई, लगेगी तो सही चोट। ओके ये देख रहे हो ये एरिया बिल्कुल खाली खाली सा, बस मेरे को यहाँ से घास हटानी है, बाकी एक जीना यहाँ तक लाना है मुझे कैसे भी। यार ये तो थोड़ा सा मुश्किल काम भी है, वैसे लग रहा जैसे आसान काम है पर सही में मुश्किल काम है। कि जीना यहाँ तक लाने के लिए मेरे को सपोर्ट चाहिए होगी, सपोर्ट के लिए चाहिए ब्लॉक्स, जो कि ब्लॉक्स मेरे पास है भाई, क्यों नहीं है। ये खाली तो करना है हिस्सा, करते हैं ना भाई। अरे इससे नहीं, इससे अभी मेरे पास अगर एफिशिएंसी होता ना भाई मजे आ जाते। मैंने इंचेंटमेंट के लिए भी कुछ करा नहीं है जुगाड़, जिस दिन करना शुरू कर दिया ना इंचेंटमेंट का, उस दिन देखना भाई कितने इंचेंटमेंट होंगे। ये लो शायद से इतनी सपोर्ट बहुत है भाई, और इतने तो मेरे पास सीढ़ियां भी नहीं है, सीढ़ियां और बनानी चाहिए थी मुझे। तो मुझे स्केलेटन की आवाज आ रही है, रात हो रही है क्या? अरे ऊपर जाने का रास्ता, अच्छा एक ब्लॉक और टूटेगा। रात हो रही है क्या? रात हो रही है भाई, सो जाओ। स्केलेटन आसपास होंगे भाई, मर जाऊंगा, मरने मरने वाले काम नहीं करने। तो ये होगा मेरा नीचे जाने का रास्ता, बस अब मेरे को ये एरिया खाली करना है। करो भाई एरिया खाली। वैसे आपको लग रहा होगा कि इतना बड़ा फर्नेस मैं क्यों बना रहा हूँ, वो भी ऑटोमेटिक, क्योंकि भाई मेरे को बहुत ज़्यादा कोबलस्टोन को पिघलाना है, और बहुत सारी चीज़ें मुझे पिघलाने की ज़रूरत पड़ेगी आगे। और देखो मैंने पूरा का पूरा गड्ढा कर दिया भाई,
और इससे जो निकला है ना भाई, इतनी सारी चीजें निकली और ये मेरे पुराने कोबलस्टोन रखे हुए बचा के, क्योंकि आगे बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी इनकी। अरे वो कांगे एक डर्ट वाले, ये रहा, जा भाई तू अंदर, मैंने सब चीजों के अलग अलग बना रखे है। तो चलो भाई तैयारी करते हैं उस चीज की। एक चेस्ट की जरूरत है इस काम में, जो कि मेरा यहाँ लगने वाला है चेस्ट, यहीं से मैं काम करने वाला हूँ अपना। इस ब्लॉक को हटाऊंगा और यहाँ पे चेस्ट लगाऊंगा। बाकी मेरे पास कुछ आयरन भी जरूरत होगी, मुझे आयरन की कोई कमी यार, मेरे को चेस्ट तो और भी बनाने पड़ेंगे भाई, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा वो चाहिए होंगे फर्नेंस नहीं बनाने यार, मुझे बनाने थे होपर। ये लो भाई 8 होपर आ गए, जो कि कम है। बाकी कुछ चीजों की और जरूरत पड़ेगी, जो कि था रेड स्टोन। अरे यार वो कहाँ गया रेड स्टोन रिपीट, इसकी अगर मैं टॉर्च बना लूँ तो आ जाएगी। हाँ इसकी भी अलग ही दिक्कत है। ये लो रिपीटर। एक क्रिपर आया भी, उसने मेरा सारा कुछ फोड़ दिया भाई। अरे यार एक क्रिपर मुझे इसलिए पसंद नहीं है भाई, मेरा घर भी तोड़ दिया उसने, देखना भाई कितना नुकसान करके गया है। अगर मैं चेस्ट ऐसे अंदर लगा दूं तो कोई दिक्कत है क्या? बस ऐसे खोलो डालो, ऐसे भी लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं, पता नहीं चलेगा। तो यहाँ से थोड़े से ब्लॉक हटाते हैं फिर, और मुझे चढ़ने के लिए ना भाई बहुत ज़्यादा वो चाहिए आज ब्लॉक्स मेरे पास है कुछ। मेरी डर्ट वर्ट किधर गई? अरे ये लेते हैं ना भाई, ये सबसे बढ़िया होते हैं ब्लॉक्स भाई, इनसे जो चढ़ते हैं ना उतरते बहुत सही लगता है। ओ भाई कितना काम है आज, ये हटाओ, इनकी जरूरत नहीं है। और एक ब्लॉक ये भी हटाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ तो भाई चेस्ट है, ये तो चेस्ट का सारा सामान भेज देगा भाई, क्योंकि यहाँ पर एक मिनट, यहाँ ऊपर की क्यों जरूरत है मुझे? ऊपर तो मुझे यहाँ जरूरत है ना। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे ना एक ब्लॉक लगाऊंगा मैं, और यहीं पे मेरा एक चेस्ट होगा जो कि मेरा बफर चेस्ट होगा। इसके ऊपर अब मुझे एक होपर लगाना पड़ेगा अगर लग गया तो। अरे यार जगह दो भाई, देखते हैं लग जाएगा कि नहीं। ये ले भाई, हाँ लग गया। अब इसी के टच में रह के ना मुझे ये होपर लगाने हैं ऐसे करके। तो होगा क्या कि उसमें से सामान जाएगा, सारा का सारा ट्रांसफ़र होएगा इसमें, मतलब कि जब ट्रांसफ़र होगा जब उसको। अरे यार शक्ल भी नहीं दिख रही, अभी बताता हूँ नीचे भाई। ये पता है ये क्या होने वाला है कि वहाँ से सामान जाएगा मेरे मेन चेस्ट से, वो जाएगा सीधा इसमें, इसमें जाएगा नहीं, वो इसमें तभी जाएगा जब यहाँ पर कोई, जब यहाँ पर फिल्टर वाली चीज़ नहीं मिलेगी। यहाँ पर मुझे फिल्टर लगाना पड़ेगा और फिल्टर के बाद वो आगे भेजेगा, समझ रहे हो भाई दिमाग। चलो इधर का एरिया बंद करते हैं पीछे का, वैसे इस ब्लॉक से करना ठीक नहीं है। तो यहाँ पर एक फिल्टर बनाऊंगा मैं, मतलब दो फिल्टर बनाऊंगा जो कि मेरे कोल और चारकोल को फिल्टर करेगा, मतलब वो पहचानेगा कि चारकोल कौन सा है कोल कौन सा है, और उसको फिर वो अलग जगह भेजेगा, समझ रहे हो। तो उसके लिए मुझे एक फ़िल्टर बनाना है, और मेरे को चाहिए दो होपर, जो मैंने होपर लगाए ना इनके ही बिल्कुल यहाँ लगाने, ये वाली जो दीवार है ना इस पे ऐसे टच करके कि पीछे की तरफ। अब बस एक गड़बड़ हो रही है भाई कि यहाँ से मेरे को जगह थोड़ी सी खाली करनी पड़ेगी, और लकड़ियाँ चाहिए भाई, बहुत ज़्यादा सामान चाहिए मुझे, दब के चेस्ट और दब के होपर, थोड़े से और आयरन भाई। तो क्या करना है, यहाँ से मैंने थोड़ी सी जगह खाली करी है और एक ब्लॉक यहाँ पे लगा देता हूँ, क्योंकि मुझे चेस्ट लगाना है यहाँ पे अभी, तो ऐसे चेस्ट लगाना है, लगेगा भी इस पे। अरे यार अब मैं एक ब्लॉक और लगाना पड़ेगा भाई चेस्ट के लिए। ये लो भाई चेस्ट हो गया पूरा, समझ रहे हो किस तरीके से लगा रहे हो। अभी देखो आपको पता चल जाएगा कि मैंने क्या सोच के लगा रहा हूँ, मेरे को बस पीछे जाने दो थोड़ा। तो यहाँ मुझे दो होपर लगाने, ये दो होपर लगाए ना, इनका लगाने का रीज़न ये है ताकि कोल और चारकोल को फिल्टर करे। तो अब यहाँ दो होपर लगाने ताकि इसके अंदर ये सामान भेजे, अभी डायरेक्ट इसके अंदर सामान भेजेगा, लेकिन यहाँ पे मेरे को अभी और चीज़ें लगानी है। क्या मैं चेस्ट के नीचे कोई ब्लॉक लगा सकता हूँ? लगा तो सकता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ कुछ ब्लॉक चाहिए और यहाँ पर भी मुझे ब्लॉक चाहिए ताकि मैं कंपैरेटर लगा सकूँ, और मैं तो बिल्कुल बाहर ही निकल गया भाई। क्या यार, क्या मेरे पास कुछ टॉर्च बची हुई है? या दो ही बची हुई है और दो ही मेरे पास कंपैरेटर है। चलो ठीक है यार, काम हो जाएगा, मेरे को इतना ही सामान चाहिए, वैसे अभी और भी चाहिए होगा पर बाद में देखेंगे। तो देखो जितना मैंने बनाया है ना, इसको थोड़ा सा मुझे हटाना भी है, क्योंकि ये जो मैंने दो ब्लॉक लगा दिए है ना, कहाँ लगाए थे ये वाले, अब ये जो एक्स्ट्रा है ना इनको निकालो, इनकी जरूरत नहीं है, बस इतना ही करना है। इनके ऊपर कंपैरेटर आएंगे और यहाँ पर आ जाएगी टॉर्चेस। टॉर्चेस आ कैसे रही है, जो ये वाले है ना, ये होपर है, होपर के साइड में जो ब्लॉक्स है, ब्लॉक के साइड में मतलब नीचे ही ये आ जाएगी टॉर्च। इनका रीज़न ये है कि ये कंपैरेटर को कंट्रोल करेगा भाई। चलो कंपैरेटर लगाते हैं, जो कि बाहर से लगेंगे भाई, आना जाना पड़ेगा अब तो बाहर बहुत ज़्यादा। आ जा भाई अंदर। तो खाली मैंने कर दिया, अब देखो जो ये होपर थे, होपर के मुझे यहाँ पर ये लगाने पड़ेंगे, जो कि बहुत मुश्किल है भाई इस चीज़ को लगाना, क्योंकि ये लगते ही नहीं है, ये बहुत नखरे दिखाते हैं भाई। तो यहाँ पे आएगा एक होप कंपैरेटर, जो कि आ गया तो अच्छी बात है। ये ले भाई। अरे यार हाँ ये आया ना बात भाई, ये ले।
अरे गलत क्यों लग रहा है भाई? ये ले भाई, गलत मत लग। हाँ अब लगाया सही। तो यहाँ पे आ गए, देखो इन ब्लॉक्स पे मैंने वो लगा रखी है टॉर्च, तो मुझे चाहिए और ब्लॉक्स जो कि इन ब्लॉक के थोड़ा सा नीचे लगाए जाएंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर आने वाले रिपीटर ऐसे करके इस तरफ फेस करके, मतलब उस तरफ फेस करके, और इस चीज़ को मुझे पूरे तरीके से बंद भी करना है भाई। थोड़ा सा भी नीचे चलते हैं, एक काम हो रहा है, ये जो मैंने रिपीटर लगाया ना, रिपीटर पे ही मुझे यहाँ पे ब्लॉक्स और लगाने हैं। ये लो भाई, तो ये एक फिल्टर का काम करेगा, जो कि फिल्टर ही है भाई ये। भाई काम जब करेगा ना, जब देखना भाई क्या है ये, बहुत ही अजीब है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा ना, तो मैंने इसका सीजन 1 में भी डाल रखा भाई, वो देखना भाई, बहुत सही समझ में आएगा, मैंने डिटेल में समझाया हुआ है। तो यहाँ पे बस ये लगानी है ऐसे करके। ये लो भाई, हमारा फिल्टर बन के तैयार है। अब ये फिल्टर करेगा सामान जब भी इसके अंदर जाएगा ऐसे करके। और ये कहाँ गया भाई? ये गया कैसे इसमें? नहीं रुक गया। चलो अब दिखाता हूँ तुम्हें कि कैसे इनको फिल्टर करने वालों में। तो मेरे को चाहिए कोल, और चार कोल पता है मेरे पास नहीं होगा, थोड़ी सी लकड़ी लेके ले लेते हैं भाई, चार कोल नहीं थोड़ा सा और बना लेते हैं भाई। तो थोड़े से मैं नेदर रैक यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि नेदर रैक का मैं इसमें डालने वाला हूँ भी नहीं, मतलब कभी भी नहीं डालूंगा नेदर रैक। अगर गलती से भी इसमें नेदर रैक डाल दिया तो दिक्कत हो जाएगी। तो जो रिपीटर है ना, रिपीटर नहीं कंपैरेटर लगाए हुए, इसके साइड में जो ये वाले है, इनको मेरे को फिल्टरिंग पे डालना है। तो क्या करना है, यहाँ पे 1 2 3, बाकी मेरे को डालने हैं पूरे 41 ब्लॉक, और यहाँ पर डालना फिल्टर का सामान ऐसे करके। देखा गया ना, वो एक बच गया, तो अब ये फिल्टर करेगा ऐसे ही। सेम इसमें करना है 1 2 3, बाकी मेरे को 41 ब्लॉक। आ जा भाई कोल। सेम मुझे चार कोल के साथ भी करना है ऐसे ही। तो दूसरे वाला था चार कोल का, ये रहा, इसमें चार कोल डाल लूँ। देखो चार कोल जा रहे हैं, लेकिन वो इसमें नहीं जा रहे, वो जा रहे हैं हमारे ये कोल वाले चेस्ट में। तो ये कोल वाला चेस्ट है, इसमें जाएगा सब। और हाँ, अगर मैं यहाँ पर कुछ भी चीज़ डालता हूँ जैसे, और भाई ये नहीं डाली थी, कर दिया भाई कचरा। अरे यार 41, ये भी 41 करो। जैसे इसमें मैं ये डाल देता हूँ भाई कुछ भी चीज़, ठीक है, ये जाती रहेगी। यार एक ज़्यादा ही डाल दिए, ये चली गई। और ये सारी की सारी मिलेगी मेरे को बफर चेस में। बफर चेस नहीं है ये, एक बैकअप चेस है। हाँ बफर ही बोल सकते यार, ये जितना भी सामान होगा ना, सारा का सारा मेरा यहाँ भेज देगा, अगर कुछ भी एक्स्ट्रा होगा सामान वो चीज़, बाकी तो मेरा यहाँ पे आएगा, मतलब ये सारा पकने वाला सामान है। तो क्या करना है कि यहाँ पर एक ब्लॉक लेना है, और इस ब्लॉक से मुझे लगाना है अपने होपर, वाला होपर नहीं फर्नेंस। तो देख रहे हो, सिर्फ एक ब्लॉक की उस पर लगा रहा हूँ मैं, जितने भी इस फर्नेंस है सब लगा देने हैं। चाहूँ तो जितना लंबा इसको बना सकता हूँ, पर अभी मैं फ़िलहाल 9 पे ही ले जा रहा हूँ इसको, 9 से ज़्यादा नहीं बना रहा, ठीक है। इतना बनने के बाद मुझे चाहिए थोड़ा सा चढ़ने का रास्ता, क्योंकि इन पर आएंगे अब होपर। और ये पहले पार्ट की तरह मैंने फिर से एक फर्नेंस यहाँ पर लगा दिया, इसको पीछे लगाना पड़ेगा मुझे थोड़ा सा। यार गिर गिर के मैं अपने हाथ पैर तुड़वा रहा हूँ, और कुछ ये लो लग जा भाई। तो ये फर्नेंस को इसी लाइन में लगाना, मतलब कि जो ये चेस है ना, चेस है एक ब्लॉक नीचे और एक ब्लॉक आगे, मतलब कि यहाँ से देख रहे हो इस तरीके से मैंने लगाया है। तो अब बस होपर लगाने इन पे सभी पे ऐसे करके, बिल्कुल टच में होने चाहिए इसके फर्नेंस के। अरे भाई तेरी ब्लॉक की अब ज़रूरत नहीं, तू निकल। देखो सारे के सारे बिल्कुल ऐसे टच में, किसी दूसरे होपर पे टच ना हो जाए, नहीं तो इसमें कोल नहीं जाएगा किसी एक में। तो ये कोल भेजने वालों के लिए काम आएगा, और जो ऊपर के रहेंगे ये सामान भेजने के लिए काम आएगा। ये लो भाई, बहुत से कोई टच में तो नहीं है? नहीं, सब बढ़िया लग गए बिल्कुल। चलो भाई सोने, फिर से रात हो गई, रात बड़ी बेकार लगती है भाई, क्रीपर फोड़ के गया था मुझे अभी। अब थोड़े से ब्लॉक्स की ज़रूरत पड़ने वाली है भाई, क्योंकि थोड़ा डिज़ाइन विज़ाइन का भी काम करेंगे ना। अरे वो कहाँ मेरा कटर, कहाँ लगा रखा मैंने कटर भी। सारे के सारे यही ब्लॉक्स लूँगा मैं, और इन्हीं ब्लॉक्स के लिए तो ये बना रहा हूँ भाई, लेकिन फ्यूचर में बहुत काम आएगा ये, आगे देखना भाई कितना काम आएगा। तो ये यहाँ का बंद कर देते थोड़ा सा एरिया, और साथ ही मुझे पीछे का एरिया भी बंद करना है ये वाला ऐसे करके, और ये इधर का भी एरिया बंद करो भाई ऐसे, और यहाँ से भी तू बंद हो। अब देखना है पटरियों के लिए, तो पटरी मेरी जो है वो यहाँ तक आएगी, तो यहाँ तक पटरी आएगी इस पे। तो ये 2 ब्लॉक तक चलेगी पटरी, और यहाँ मैंने रोक दिया है ताकि इस पे पटरी मेरी चले। वैसे ही सेम मुझे यहाँ पर भी करना पड़ेगा, क्योंकि पटरी, अरे यार लगाऊँ कैसे ब्लॉक, ऐसे लाने पड़ेंगे। ऐसे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, ये तो सिंगल इसी पे चलेगी भाई, और इतने पे ही चल जाएगी। चलो अब इसको चलाने का टाइम आ गया, इस पर पटरियाँ लगाते हैं। तो सबसे पहले एक रेडिस्टोन लगा देता हूँ ताकि इससे पावर बनी रहे, और एक चाहिए मेरे को ये वाली सिंपल रेल, बाकी एक चाहिए पावर रेल,
और एक पावर रेल इस तरफ भी चाहिए। और अब बिछानी है ये चीज़। वैसे कितनी मस्त लग रही है भाई, इस पर पूरे पर पटरी घूमने वाली। तो ऐसे ही सेम यहाँ पर भी करना है, एक पावर रेल और बाकी मुझे ऐसे पटरी लेके जानी है इन पे, बिल्कुल सेम ऐसे ही। और बस यहाँ से ऊपर उठानी है थोड़ी सी, जिसके लिए बस ऐसे करना है। हो गया भाई ऊपर। हाँ सही से समझ गया क्या दिक्कत है यार, एक ब्लॉक और आएगा ना यहाँ पे, कहीं ना वो पटरी। हो भाई चेस्ट में अभी से जाना शुरू हो गया क्या? नहीं, अरे भाई ये रही भाई पावर है। तो एक ब्लॉक आएगा, ज़्यादा कुछ नहीं आएगा भाई, और यहीं पे आएगी ये वाली पटरी। हो गया भाई काम, दोनों पटरियाँ जल रही है। और इसे भी हटा सकते हैं क्योंकि यहाँ पर ब्लॉक लगाऊंगा मैं, ताकि वो सिर्फ जाए और टकरा के वापस आ जाए। इतना घूमो इतना बस, ज़्यादा क्यों घुमाऊँ भाई फालतू में। तो ये मैंने भेज तो दिया पर ये काम नहीं करेगी भाई बिल्कुल भी। निकल तू, अब काम नहीं करना तो भाई। तो देखो यार, ये जो मैंने इधर का पार्ट बनाया ना, ये मैंने खाली क्यों छोड़े है? क्योंकि यहाँ पर मेरे को मैनुअल का एक लोडर अनलोडर बनाना है, मतलब लोडर बनाना है मुझे, ताकि यहाँ से सामान लोड होए और इनमें पूरे में भर जाए। नहीं तो भाई ऐसे घूमता रहता है ना, वो एक में ही भर देता है, और एक या तीन में भर देता है, और वो बहुत गलत लगता है भाई, अजीब लगता है। तो कंपेरेटर चाहिए होंगे इस चीज़ के लिए मुझे काफ़ी सारे। तो देखो जो ये वाला चेस्ट है ना, इस चेस्ट पे मुझे काम करना है। तो करना क्या है भाई, ये वाला जो चेस्ट है ना, कोल वाला, इसके साइड में मेरे को कंपेरेटर लगा देना है। अब देखो इसको पता है कि इसमें सामान है, जब ये खाली होता है, खाली तो होगा नहीं, चलो हो जाएगा यार। देखो अब ये बता रहा है कि सामान नहीं है इसमें, जब ये रहेगा तो बता देगा कि भाई सामान है। आज भाई ये मेरा घर ना खराब करवाएंगे थोड़ा इस चक्कर में। मेरे को थोड़ा सा चेस्ट का देखना चाहिए था, थोड़ा पीछे लेके आना चाहिए था भाई। अब इसको बनाऊंगा तो दिक्कत भाई, क्योंकि यहाँ पर मेरे को एक काम करना है, एक यहाँ पर मेरे को ब्लॉक लगाना है, यहाँ पर आएगा एक ब्लॉक और ये बीच का तोड़ देना है भाई, बीच का तोड़। चलो भाई काम करके आते हैं बाहर से भी, इधर से तो मैंने कर ही दिया है भाई, उधर से भी कर देंगे, क्या जा रहा है भाई। बोरा गड्ढा वहाँ पर चढ़ना पड़ेगा मुझे। हो भाई एक तो ये फालतू जो चीज़ें भरी हुई है ना, इन्हें फेंको, इनकी ज़रूरत नहीं है। तो क्या करना है भाई, इस गड्ढे में एक मेरे को लगाना है रिपीटर, जो कि मुझे इस तरफ लगाना है ऐसे करके। रिपीटर आ गया, ये रिपीटर के बाद एक रेडस्टोन रखना है और इसके ऊपर टोर्च आएगी। हो गया भाई काम, इसको समझना भाई बहुत मुश्किल है। तो इसमें जब सामान होएगा ना, ये अपने आप ही काम करेगा, लेकिन अभी नहीं करेगा भाई। देखते हैं काम कर रहा भी है कि नहीं, करेगा कैसे, एक रेडस्टोन भी तो आएगा ना। अब करेगा, अब मैं इसमें जब सामान भरूंगा तो ये ऑफ हो जाएगा। तो सामान जब खाली हो जाएगा तो ये ऑन हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। वैसे ही सेम इस चेस्ट में भी करना पड़ेगा मुझे। तो ये आएगा यहाँ पर एक कंपेरेटर, बिल्कुल सेम ऐसे ही, जो कि चेक करेगा। अरे खुलेगा नहीं, गलत बात होती है भाई ये। तो ऐसे सामान होएगा तो चेक करेगा कि सामान है कि नहीं है, वही सेम। और यहीं पर पहले से रेड स्टोन लगा दूँ मैं। बाकी यहाँ पर एक ब्लॉक आएगा और इधर आएंगे दो ब्लॉक। अरे यार गलत ही लगते हैं हमेशा। मेरे पास रिपीटर है कुछ नहीं है भाई, रिपीटर बना के लाओ। चलो भाई रास्ता दो मुझे। तो इसके पीछे आके बिल्कुल सेम ऐसे ही लगाना है, और यहाँ पर रेडस्टोन और एक ये टॉर्च। बिल्कुल काम कर गया भाई, देखो ये ऑन बता रहा है, इसका मतलब ये खाली हो चुका है, जब भरेगा तो ये ऑफ हो जाएगा भाई। देख रहे हो सिंपल चीज़। अब मैं इसको चला सकता हूँ, बस ये लगानी है मुझे यहाँ पर ऐसे करके, और एक यहाँ पर। तो ये दोनों के वो चल गई दोनों, वाह भाई चलो, ये चलती रहेगी ऐसे ही, जब ये खाली रहेगी तो चलती रहेगी। जैसे इसमें देखो सामान जाएगा ना ऐसे करके, ये रुक जाएगा, रुक के सामान लोड किया, चला गया ना, और लेने के बाद इनमें भर दिया इसने भाई। यही काम है भाई, ये काम हो गया भाई, मतलब अब ये ऑटोमेटिक हो गया, ये सारा का सारा सामान भरेगा, सब कुछ करेगा, लेकिन निकालेगा कैसे उसका सिस्टम तो अभी है ही नहीं भाई। उसके लिए भी मुझे बहुत सारे होपर चाहिए यार, कितने होपर चाहिए गिन तो लूँ, वैसे बहुत सारे चाहिए। होपर होपर आ जा भाई, आठ नहीं चाहिए मेरे को, चाहिए कम से कम आठ, सारे ही चाहिए भाई, क्योंकि बहुत सारा काम आज होपर का। तो जो लास्ट का है, लास्ट पे मैं एक होपर लगाऊंगा, लास्ट पे लगाऊं कि कैसे करूं, हाँ चलो ऐसे करते, ये वाला है ना जो पहले वाला है, तो यहाँ पे मैं एक होपर लगाऊंगा, बाकी इसी के होपर के टच में मैं सारे होपर लगाऊंगा। इसमें कर हो क्या रहा है कि जितना भी सामान बनेगा ना, वो सारा होपर में जाएगा और वो एक जगह इकट्ठा होएगा। अब यहाँ पे एक चेस्ट लगा देता हूँ मैं, जो कि होगा बफर चेस्ट, मतलब कि थोड़ा इकट्ठा कर लेगा। और अरे यार गलत चेस्ट क्यों लगता है भाई, वैसे इतना बना के ना बहुत खुशी हो रही है। देखो इसके अंदर सारा सामान आ जाएगा पक पुका के, बिल्कुल मस्त। वही एक मिनट, मैंने नेदर रैक क्यों डाल दी, नेदर रैक तो बनती है ना, मैंने फिल्टर में नेदर रैक डाल दी यार। वो यार मुझे कुछ ऐसी चीज़ डालनी जो पकती नहीं है भाई, ये पकती है क्या? नहीं, सही में देख के ना ये अच्छा नहीं लगता जब ऐसा काम होता है, ये ना गड़बड़ कर दिया मैंने इसमें। निकल भाई तू, क्योंकि ये चाहिए ही नहीं।
एक दो तीन। भाई ऐसी चीज डालनी है जो पके ना। मैं तो भाई वो चीज डाल दी थी जो पकने वाली है। चलो ये पकेगी नहीं, बाकी चीजें पकने वाली है। अब देखो इसका चमत्कार दिखाता हूँ भाई कैसे काम करेगा। बहुत तगड़े तरीके से काम करेगा जब करेगा तब। तो ये इतना एडवांस है भाई देखो कि मैं कोल लूँगा और कोल ही इसके अंदर डाल दूंगा। जैसे एक मिनट, ये चेस्ट मुझे ना अभी भी अजीब लग रहा है यार, ऊपर है मतलब ये ज़्यादा ही वो है। इसको ना थोड़ा सा करते हैं सेट, थोड़ा सा एक ऊपर और लगा देंगे और यहाँ लगाते हैं चेस्ट। अब लग रहा है थोड़ा सा लुक, पर नीचे जाने का रास्ता थोड़ा सीक्रेट रहेगा, वो कर देंगे। इसमें जैसे मैंने सामान भर दिया, अब ये सारा सामान चला जाएगा नीचे बड़े आराम से और सारा का सारा पकना शुरू हो जाएगा। दिखाता हूँ मैं इसकी प्रोग्रेस, पक रही होगी सारे सामान। देखो सारे चेस्ट में आ गया, पक रहा है ना भाई। और वो जाएगा स्पीड में यहाँ पे, ये देखो एक दो तीन। और ये जो अनलोड लोडर का सिस्टम बना है ना, ये काम करेगा उसका, जो कि भाई उसको रोके रखेगा रेल को, नहीं तो रेल आधा आधा सामान लेके भरेगी भाई, गलत कर देगी, पूरे चेस्ट नहीं काम कर पाएंगे। तो अब ये देखना है इस चेस्ट का सामान आएगा कैसे और आएगा कहाँ पे। मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे ले आता हूँ उस सामान को, इस जगह पे पकने वाला सामान सारा। इसमें कुछ है नहीं, ये आ रहा है यहाँ पे कुछ। अरे यार मिट्टी आ गई भाई, अगर यहाँ पे कुछ गड़बड़ ना हो। यार यहाँ पर भी मिट्टी है यार। होपर कितने सारे लगने वाले, बहुत लगेंगे होपर। या तो मैं सीधी रेल वाला सिस्टम बना दूँ तो भाई कितना बढ़िया रहेगा। रेल लोड और अनलोड होए क्या बढ़िया लगेगा फिर दिखने में भी। लोडर और अनलोडर का सिस्टम बनाते हैं जो कि भाई थोड़ा सा। ओ भाई यार ये क्रीपर भाई क्यों आता है यार, ऊपर से कहाँ भेज देता है मुझे। ये लो भाई, चलो अच्छी बात है कि मेरा चेस वेस तो तोड़े नहीं इसने भाई, बड़ा बेकार है क्रीपर। चलो अपने कैसल पे एक बोर्ड और लगाते हैं। अभी सोनी गेमिंग की तरफ से आयरन फार्म कब बनाओगे शाउट आउट प्लीज, पिछली सीरीज में एक बार भी नहीं मिला था। अच्छा ठीक है भाई, तो देखो यार आयरन फार्म मैं बनाऊंगा, जल्दी ही बनाऊंगा और उसकी ज़रूरत है मुझे, क्योंकि बहुत ज़्यादा आयरन लगने वाले हैं आगे के जो काम करने वाला हूँ मैं। सारा का सारा मैं ऑटोमेटिक काम करूंगा, इस कैसल को भी ऑटोमेटिक बनाऊंगा, तब जरूरत पड़ेगी। और अगली कमेंट है ग्रिजली की तरफ से, सिर्फ सीरीज बड़ी करने के चक्कर में है बहुत फोरगन यूट्यूब, एपिसोड वन में ही घर बना देते हैं। तुमने सही कहा है भाई, बहुत सारे लोग और जो फोरन होते हैं, फोरगन बोला था क्या मैंने, वो लोग बहुत जल्दी घर बना देते हैं। और भाई देखो अगर मैं क्रिएटिव यूज करूंगा ना तो मैं भी भाई एक दिन में घर बना दूंगा, लेकिन जो रिसोर्सेज होते हैं ना भाई इनको इकट्ठा करने में बहुत टाइम लगता है। तीन तीन चार चार घंटे तक माइन करोगे ना तब पता चलता है भाई घर कैसे बनता है। तो एक दिन का तो काम है नहीं भाई, अगर सर्वाइवल में करोगे, क्रिएटिव में करोगे तो भाई एक दिन का ही काम है। तो कुछ स्पेशल से ब्लॉक ले लेता हूँ, वैसे स्पेशल तो ब्लॉक मेरे पास कुछ है नहीं। ये है एंडेसाइट, एंडेसाइट नहीं लगाऊंगा मैं, स्टोन ब्रिक्स लगाऊंगा। तो एक पैटर्न बनाना पड़ेगा जो कि होगा ऐसे करके, ऐसे और एक ऐसे, ये तीन का पैटर्न बनाना पड़ेगा। यहीं पे बनेगा हमारा अनलोडर, और थोड़ा सा बंद करना पड़ेगा हिस्सा भाई। अरे इतना नहीं बंद करना था भाई। अब जो सीढ़ियाँ बनेगी ना, सीढ़ियाँ मुझे नीचे बनानी पड़ेगी क्योंकि और जगह है ही नहीं। यहाँ लगाते हैं इस ब्लॉक को। तो हमारा आएगा चेस्ट यहाँ पे ऐसे करके, और इसके अंदर जाएगी मतलब होपर जाएगा यार, यहाँ होपर टच में होएगा इसके बिल्कुल इस तरीके से। देख रहे हो, समझ में आ रहा है यार, एक हटा दूँ मैं तब समझ में आएगा अच्छे से। अब रेडिस्टोन और टॉर्च निकाल लेते हैं। कंपेरेटर वम्पेरेटर कुछ नहीं है मेरे पास। मेरी क्राफ्टिंग टेबल फोड़ दी क्या, क्राफ्टिंग टेबल भी। अरे यार तुम भाई मानते नहीं हो, ये क्रीपर मुझे इसलिए अच्छे नहीं लगते। निकालो यार एक और क्राफ्टिंग टेबल, कमी है क्या यार क्राफ्टिंग टेबल की। तो क्या चाहिए, एक कंपेरेटर लगाना मुझे ऐसे करके। ये क्या करेगा कि इसमें चेक करेगा कि कुछ सामान है कि नहीं, ऐसे करके जला नहीं। अच्छा यार अभी तो ये है ना, इसको निकालो भाई, चेक करके दिखाता हूँ मैं। जैसे सामान है ये देखो, चल गया, ऐसे चलता है भाई। तो एक रेडिस्टोन लेना है जो कि आएगा इस कंपेरेटर के ऊपर वाले ब्लॉक पे, एक टोर चाहिए जो आएगी कंपेरेटर से अगले वाले ब्लॉक पे, मतलब कि यहाँ से बिल्कुल सीधा। और ऐसे टोर्च नहीं लगानी भाई, ऐसे लगाओगे तो देखो ये हो जाती है भाई गड़बड़, ये गड़बड़ नहीं करनी, यहाँ लगानी ऐसे सीधे करके भाई। छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देना पड़ता है, टोर्च टेढ़ी लगाए तो गलत। तो ऐसे लगानी और हमारा ये सिस्टम बन के तैयार है। बस यहाँ से पटरी जाएगी जो सीधे नीचे जाएगी भाई, दिखने में बहुत मस्त लगेगा हमारे। इसको ढक दूंगा भाई मैं, ज़्यादा बुरा नहीं दिखेगा। तो यहाँ पर मैं अब चेस लगा सकता हूँ डबल, ताकि मेरा सामान आए। और ये सही में बहुत अजीब लग रहा है, इसका भी बना देंगे कभी ना कभी सिस्टम फ्यूचर में। तो अब करना है असली काम, हमें चाहिए पावर रेल, पावर रेल लगानी है। पावर रेल का काम क्या होगा कि ये पावर देगा, अभी देखो जल रही है ना, इसका मतलब पावर देगा। जब इसमें सामान ऊपर चढ़ जाएगा तो इसका मतलब पावर नहीं है भाई, सिंपल सिंपल चीज़ है। चलो तोड़ो इन्हें। अब इसको जगह कैसे दूंगा मैं, ये बताऊँ, हमारी मशीनें नहीं होती ना तो मैं इसको डायरेक्ट लेके चला जाता, पर क्या करूँ ये मशीनें बड़ी बेकार। एक मिनट, अगर मैं इसको उल्टा बना दूँ तो मैं यहाँ से ले जा सकता हूँ भाई। क्या यार, ये लो भाई, काम कर रहा है, कर रहा है भाई, बहुत सही। थोड़ा सा काम करना पड़ता है भाई,
ये लो भाई पटरी चालू। अब मैं यहाँ से खोद के नीचे जा सकता हूँ बड़े आराम से। एक मुझे यहाँ पर पावर रेल भी लगानी पड़ेगी भाई, क्योंकि पावर चाहिए इन चीज़ों में। अरे यार ये तो कट गई। वैसे सच बताऊँ मेरे आयरन सारे के सारे ख़त्म हो चुके हैं भाई इस काम में। भाई बहुत ज़्यादा आयरन लगा दिए मैंने इसमें। अब जितने भी है थोड़े बहुत यही बचे हुए हैं, इन्हीं को पकाते हैं। तो ये मुझे लगाना है होपर यहाँ पर नीचे, और इसके नीचे आएगा चेस्ट जो कि भरने वाला चेस्ट होगा। तो यहाँ पे आएगा भरने वाला चेस्ट, और यहाँ से जाएगी ब्लॉक्स हमारे, मतलब कि हमारी वो जाएगी यहाँ से ऐसे करके पटरी पटरी पटरी। आ जा भाई, ये लो भाई बिल्कुल सही टाइम, मतलब सही आई है पटरी, कोई वैसी नहीं है। अरे यार पटरियाँ बनानी पड़ेगी, और पटरियों के लिए मेरे पास आयरन नहीं है। चलो कोई नहीं, नीचे से आयरन ले आएंगे। बाकी यहाँ का सामान बना देते, यहाँ मुझे कैसे कैसे बनाने हैं। तो यहाँ से पहले इसको पूरा कर देते हैं ताकि मेरे को चढ़ने उतरने में आसानी रहे भाई। तो यहाँ एक ब्लॉक लगाना है मुझे, और ये भी इसको पूरा करना है, और एक ब्लॉक यहाँ पे आएगा, दिखा देता हूँ कैसे लगाने हैं। रुक जाओ यार, ये देखो ऐसे ब्लॉक लगाने, ये वाला यहाँ पे होपर है, और होपर के कोने पर ये वाला ब्लॉक, फिर ये वाला ब्लॉक, और थोड़े से आयरन भी ले लिए जाए भाई। तो ऐसे करने के बाद मेरे को चाहिए रेडिस्टोन कंपैरेटर। कंपैरेटर आएगा ऊपर, ऊपर लगाते हैं। देखो ये वाला है ना, यहाँ पे आएगा कंपैरेटर ऐसे करके, ये चेक करेगा कि जो होपर है होपर में सामान कितना है। ओ होपर में सामान है क्या? ओ भाई अच्छा सामान है यार, मैं वही सोचा कि ये काम कैसे कर रहा है। तब आएगा एक ये वाला रिपीटर। अरे यार चढ़ने के लिए दो भाई। रिपीटर आएगा ऐसे करके बिल्कुल यहाँ खड़े होके, उसके बाद एक रेडिस्टोन आएगा, और एक चाहिए मुझे टॉर्च रेडिस्टोन की, जो कि आएगी इस वाले ब्लॉक पे यहाँ पे ऐसे करके। देख रहे हो बंद हो गई, ये क्या कर रहा है? ये यहाँ की पावर रेल को ऑफ कर देगा, और कुछ नहीं, पावर रेल लग रही है ना इसको ऑफ करेगा। कितनी बड़ी मशीनें बन रही है भाई, सही में देख के ना बहुत अच्छा लग रहा है। जब ये चलेगी ना भाई कितनी अच्छी लगेगी, बहुत सही लगेगी। इसमें कोल नहीं, ओ आयरन तो है भाई, वाह भाई आयरन है हमारे पास। लो भाई तू पकने जा भाई, हो गया भाई काम। चल भाई पटरी ये ले। तो ये बन गया हमारा लोडर और अनलोडर। तो चलाते हैं इसको, बस मेरे को ये यहाँ पे रखना है। अभी देखो इसमें सामान आना शुरू हो गया, जब ये सामान पूरा अनलोड हो जाएगा ना, इसमें है सामान है भाई सब पक गया। तो ये अनलोड हो जाने के बाद खुद चलनी शुरू होगी, इसका वेट करते कि कब चलेगी ये थोड़ा। तब तक मैं ना ये ब्लॉक हटा देता हूँ जो फालतू के ब्लॉक्स लग रहे हैं, मैंने इसमें हाथ से भर दिया। ये गई भाई सारा सामान, ये खाली हो गया, और ये जा रही है ऊपर भरने के लिए। यार मुझे देखना है ये चीज़, मुझे देखना है भाई अनलोड होते हुए। वही अनलोड करवा के आ भी गई, ऐसे कैसे पॉसिबल है भाई, इतनी जल्दी अनलोड करवा दिया। नहीं भाई अनलोड तो करवाए नहीं, वो रुक गई भाई पटरी। वो आ रही है, वो आ नहीं पा रही। ओहो ताकत ख़त्म हो गई भाई इसकी। हाँ हाँ जब ही तो नहीं जा पा रहा, मैं वही सोच रहा भाई कि मेरे इसमें कैसे कचरा सा हो गया। तो ये पटरी 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 ऐसे करके यहाँ पे, हाँ भाई तू अटक ले भाई यहाँ पे, हम लगाएंगे यहाँ पे ये वाली पटरी। चल भाई रेडिस्टोन टॉर्च, अब देखते हैं कितनी स्पीड से चलती है। मेरे ख्याल से आ जाएगी अभी, आजा आजा आजा, आ गई। अरे नीचे भाग गई भाई, क्या यहाँ तक टूट रही है, मतलब यहाँ तक नहीं आ पा रही इससे आगे। यहाँ लगाते हैं टॉर्च, ये ले भाई। अब ये ऊपर नहीं गई ना भाई, फिर कुछ नहीं हो सकता इसका भाई, कितनी पटरी लगानी पड़ेगी। देख रहे थोड़ी थोड़ी दूर पर, आजा आजा आजा, आके चली गई। वो ऊपर चढ़ ही नहीं पाई क्योंकि इसमें इतनी पावर ही नहीं है कि वो यहाँ तक आ सके। यार ये लगा यहाँ पे पटरिया, अब देखते हैं इसमें पावर कैसे नहीं आती। आजा पावर, गई गई गई, पावर आई, अनलोड हो रहा है। एक मिनट इसको अनलोड नहीं करेंगे अभी। अरे उतर, चल भाई चल 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 चल, इसको देखते हैं अभी कि कैसे काम करेगा ये। आनी चाहिए बस यहाँ पर, आजा 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 आजा। अरे आ गई भाई, बहुत सही काम कर गया हमारे। तो अनलोडर लोडर काम कर गया, जो कि बिना टिक 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 की आवाज़ के, मतलब कि आवाज़ नहीं आती ना इसमें टिक 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 वाली, वो बढ़िया नहीं लगती आवाज़। तो ये हमारा हो गया है सिस्टम भाई। अब मैं यहाँ से एक सीक्रेट बना सकता हूँ नीचे जाने के लिए, बहुत वैसा अजीब सा। अब देखो मेरे पास यहाँ पर सामान इकट्ठा हो रहा है, और मैं यहाँ पर एक चेस्ट और लगा सकता हूँ। बाकी मैं इस चीज़ को भी ढक सकता हूँ, लेकिन मैं इस चीज़ को ढकूंगा नहीं, मैं इस चीज़ को शीशे से ढकूंगा भाई। तो भाई बहुत ज़्यादा मेहनत की है, इसलिए वीडियो को लाइक करना जितना ज़्यादा हो सके, और चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आप नए हो। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते नहीं गेम के एपिसोड में।